सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अभी करीम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका टेक न्यूज़ के एपिसोड 81 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम बात करें पहले अपडेट की, दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों वीवो का आने वाला स्मार्टफोन है ना वीवो आईको, फ्लैगशिप ये फोन है आप जानते हैं वीवो आईको का। वैसे दोस्तों इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लीक होकर आए हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये ना स्नैपड्रैगन 865 के साथ में आएगा और 6.44 इंचेस के फुल HD प्लस इसकी स्क्रीन होगी और 5/6 स्क्रीन होगी। 4410 mAh की बैटरी होगी। 55 वाट का चार्जर मिलेगा और कमाल की बात हो सकती है। 55 वाट का चार्जर है और उसमें एक और कमाल की बात इसमें है, क्वाड रियर कैमरा है और उसमें मेन कैमरा 48 MP का होगा। और उसमें बाकी के स्पेसिफिकेशन वगैरह इसकी कुछ भी लीक होकर आए नहीं, तो देखेंगे इसकी बाकी के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं और इसका प्राइस कितना होता है और ये लॉन्च कब होता है देखेंगे। और आप इसके लिए एक्साइटेड हैं वीवो आईको के लिए, नीचे कमेंट में टाइप करके बधाई देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ओप्पो रेनो 3 है ना ये इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। बहुत जल्द मतलब कब, नेक्स्ट मंथ ये लॉन्च हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है फेब्रुवरी के महीने में। तो देखेंगे दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन होगा, ये स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर होगा इसमें और डुअल पंच होल सेल्फी होगी। कमाल की बात यहाँ पर हो सकती है रेनो 3 में। और उसमें बताया जा रहा है कि और 12GB रैम के साथ ही आने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ ही फेब्रुवरी के महीने में लॉन्च हो सकता है। तो देखेंगे इसकी एग्जैक्ट लॉन्च डेट कितनी होती है। वैसे आप एक्साइटेड हैं रेनो 3 के लिए, नीचे कमेंट में टाइप करके बधाई देना। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों रियलमी की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों रियलमी 6 आए ना ये थाईलैंड के NBTC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है और उसमें बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड में है ना बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है थाईलैंड में और उसके बाद उसके कुछ दिन बाद ही हमको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, मतलब लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। तो देखेंगे दोस्तों, वैसे आप इसके लिए भी एक्साइटेड हैं रियलमी 6i के लिए, नीचे कमेंट्स में बताई देना। और बताया जा रहा है कि ये भी कमाल का फ़ोन होगा, तो इसको थाईलैंड में तो लॉन्च होने दो, उसके कुछ दिन बाद हमको ये इंडिया में भी मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों कॉलकॉम की तरफ से खबर आ रही है। तो कॉलकॉम की तरफ से आज कमाल की खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। तो कॉलकॉम ने ना अपने 3 नए प्रोसेसर को अनाउंस किया है इंडिया के लिए, खास करके इंडिया के लिए दोस्तों। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 460, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 662, ये 3 प्रोसेसर है दोस्तों इंडिया के लिए। और बताया जा रहा है कि बजट स्मार्टफोन जो होंगे ना उनमें ये प्रोसेसर होगा, 3 ये प्रोसेसर हैं तो ये बजट स्मार्टफोन के लिए हैं। कॉलकॉम ने फाइनली 3 बजट प्रोसेसर को अनाउंस किया है, बजट फोन में आएंगे ये तीनों प्रोसेसर। तो देखेंगे दोस्तों, 5G तो नहीं है और बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे फीचर, नए नए फीचर इन तीनों प्रोसेसर में आपको देखने को मिल जाएंगे तो देखेंगे दोस्तों ये कब आते हैं और कौन से स्मार्टफोन में आते हैं। अगर आएगा तो मैं आपको टेक न्यूज़ में आपको अपडेट कर ही दूंगा। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों जियो की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों वैसे आपको बहुत सारे पेमेंट सिस्टम में आपको UPI का फीचर आपको देखने को मिलता था, यूज़ करने के लिए मिलता था, जैसे कि पेटीएम हो, गूगल पे हो, फ़ोनपे हो और भी बहुत सारे पेमेंट एप्लीकेशन है। और तो फाइनली जियो का ही दिया, जियो भी इतने फास्ट से ग्रोथ हो रहा है, 170 मिलियन के तकरीबन उनके सब्सक्राइबर्स हैं जियो के। और जियो क्यों पीछे रहेगा, तो उसमें फाइनली जियो का है, हम भी ये फीचर लेकर आने वाले हैं, ये माई जियो ऐप में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ बता दिया जियो ने। माई जियो एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आज से आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। पहले आप माई जियो ऐप को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आपको फीचर मिलेगा UPI पेमेंट का, उसके बाद आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे अपडेट की, दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है। दोस्तों फाइनली सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट इंडिया में लॉन्च हो चुका है और उसमें बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को ये ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरफ पे सेल पर जाएगा। आप 3 फरवरी से कहीं से भी इस नोट 10 लाइट को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि 2 RAM रेंट मिलेंगे, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB और प्राइस है 39,000 और 41,000। और उसमें बताया जा रहा है कि 6.7 इंचेस के AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी और उसमें ट्रिपल रियर कैमरा होगा, मेन कैमरा होगा 12 MP का और टेलीफोटो कैमरा होगा 12 MP का और एक होगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, वो भी 12 MP का ही होगा और साथ में आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अगर आपको ये चाहिए तो, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं 3 फरवरी के बाद से। तो देखेंगे उसमें 3 फरवरी को ये क्या कमाल धमाल कर देता है और सोल्ड आउट होते हैं या नहीं, वैसा सब कुछ देखेंगे 3 फरवरी को हमको ये पता चलेगा। वैसे आप एक्साइटेड हैं तो इंतजार करना
3 फरवरी का। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ यहीं पर खत्म होती है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।